हेलो फ्रेंड्स, भाभी रसोई में आज हम आप सभी को बताने जा रहे हैं छाछ मसाला की रेसिपी। छाछ का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। अब हम उसमें 50 ग्राम जीरा डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। अब हम इसमें 50 ग्राम धनिया, खड़ी धनिया डाल लेते हैं। अब इसमें 15 से 20 काली मिर्च डालने के बाद अब हम इन सभी को अच्छे से चला लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनते हैं। अब हम इसमें 2 टुकड़े दालचीनी के डाल लेते हैं। दालचीनी डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हम अच्छे से भून लेते हैं। दही या छाछ वैसे तो हम हर मौसम में खाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो खाने की थाली में ये बहुत ही जरूरी है। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल लेंगे। अजवाइन को डालकर 1 से 2 मिनट तक हम चला लेंगे, इसे ज़्यादा नहीं भून। ये अब भून चुका है, इसे हम जार में डाल लेंगे। घर में बने मसाले का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, इससे दही और छाछ का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब हम इसमें सूखे मसाले, 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच सफ़ेद नमक डाल लेंगे। एक से डेढ़ चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच डाल लेते हैं। पिसा हुआ पुदीना 1 चम्मच। इन सभी को डालने के बाद अब हम इसे बारीक पीस लेते हैं। तो छाछ मसाला बन करके बिल्कुल तैयार है। एक बार इसे जरूर ट्राई करें। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।